अभी तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो। तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। भागो प्रगति, भागो। भागकर कहां जाओगी? आज तुम हमसे नहीं बच पाओगी। आज मौसम बहुत खराब है। प्रगति का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं अंदर का बंद करके आता। अयो मुर्गन, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है। प्लीज, मेरी बच्ची जहां भी है उसको सुरक्षित रखना। अभी तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो। तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। क्या हुआ क्यूटी पाई? भाग क्यों नहीं रही हो? भागो भागो, आज तुम्हारा खेल खत्म। राघव, तुमने मुझे धोखा देके अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। मैं मौत से लड़के वापस आई हूँ, पुनर्जन्म लेके वापस आई हूँ। अब जब तक मैं तुम सबको मार नहीं देती ना, तब तक नहीं मरूंगी। ये संदूक, ये तो यमुना नदी के अंदर से मिला था। सांप इसकी रक्षा कर रहे थे। कि मैंने बहुत खोलने की कोशिश की, लेकिन खुला नहीं था। किसने खोला? क्या था इसके अंदर? इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो मेरी बेटी प्रगति की तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर इस संदूक में कैसे आई? क्या उलझन है ये? क्या पहेली है? समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये सब। प्रगति की तस्वीर, जिंदा बचेगी तब ना। ऐसे खाई में गिरकर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। एक एक पल अपने पिता के प्यार के लिए तड़पाया तुमने मुझे। तुम्हारी मौत तो मैं ही लिखूंगा। आज मैं पुराना हिसाब चुकता करूंगा। आज ये नागिन का अंत होगा। राघव, ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हें आगे जाके पछताना हो।
तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे इंसान थे, कानून के रक्षक थे, एक इंस्पेक्टर थे। सोचो उन्हें कैसा लगेगा कि एक पुलिस वाले का बेटा किसी का कातिल है। राघव, इसकी बातों में मत आना। ये नागिन नहीं, ये कातिल है। ये तुम्हारी डैड की कातिल है और इसे मार के तुम कातिल नहीं बन जाओगे। इसे सजा दो, मार डालो इसे। कि एक पुलिस वाले का बेटा किसी का कातिल है। कातिल है ये नागिन नहीं, ये कातिल है। ये तुम्हारी डैड की कातिल है। राघव, ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हें आगे जाके पछताना हो। इसे सजा दो, मार डालो इसे। राघव, सही किया तुमने। आज तूने अपने डैड का बदला ले ही लिया। प्रार्थना की कहानी खत्म आज। मोरगन, आज का दिन कैसा है मेरी बेटी का कुछ पता नहीं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं कुछ उसके साथ अनर्थ तो नहीं। नहीं, 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 ऐसे मत बोलो। अम्मा पापा, आप प्लीज टेंशन मत लो। मैं लोकेशन ट्रैक कर रही हूँ प्रगति की, पता चल जाएगा कहाँ है। पापा, ये क्या 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 हुआ, कुछ पता चला? हाँ पापा, उसकी लोकेशन किसी जंगल की बता रहा है। जंगल? वो भी इस जंगल में है। हाँ, मैं अभी उसको लेके आता हूं। पापा, आज मैंने उस लड़की से बदला ले लिया जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई है, जिसकी वजह से आप हमारे साथ होकर भी नहीं हो। मैंने उस लड़की को मार दिया जिसकी वजह से 21 साल पहले आप पर गोलियां चली थी। डैड, मैंने आपका बदला ले लिया है। राघव सुनो, तुम जाके रेस्ट कर लो। आज तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है, दुश्मनों का तुमने काम तमाम कर दिया है। रिलैक्स डैड, एवरीथिंग विल बी फाइन। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत। जो मैं चाहती थी आज वो पूरा हो गया। प्रार्थना का अंत, पुनर्जन्म हुआ था ना उसका। हाँ, हमसे बदला लेना चाहती थी, मेरी नागमणि वो मुझसे छीनना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ, क्या मिला उसे? मौत। मैंने राघव को मोहरा बना के प्रार्थना को मौत दे दी। पर महक,
अगर प्रार्थना ने प्रगति के रूप में पुनर्जन्म लिया तो इसका मतलब रघु ने भी कहीं ना कहीं पुनर्जन्म लिया होगा। वो कहते हैं कि अगर नागनंगे साथ में मर जाते हैं या फिर मार दिया जाता है तो वो पुनर्जन्म लेते हैं। अगर प्रार्थना वापस आई है इसका मतलब ये होगा कि रघु भी वापस आया होगा। प्रगति, प्रगति कहाँ है तू? प्रगति बेटा, लोकेशन तो यही बता रहा है लेकिन प्रगति इधर आए नहीं। प्रगति, अयो मुर्गन, इतने सारे सांप एक साथ किधर जा रहे हैं? ये मुझे कुछ संकेत तो नहीं दे रहे? कहीं मुझे अपने साथ चलने को तो नहीं कह रहे? प्रगति बिटिया, अयो मुर्गन, ये सब क्या हो रहा है? और इतने सारे सांप प्रगति को घेरे हुए लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब सांप ने मिलके प्रगति के लिए शैया बनाई हो, उसकी रखवाली कर रहे हैं। उन लड़कों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, फिर प्रगति वहां आ गई। उसने मुझे यही बताया कि उन लड़कों को उनके किए की सजा मिल गई। लेकिन ये सब से प्रगति का क्या कनेक्शन है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो है, प्रगति बिटिया बहुत जख्मी है, मुझे इसकी रखवाली करनी होगी। हे नागदेव, ये लड़की मेरी बेटी है, बहुत जख्मी है, इसको मुझे घर ले जाना है। कृपा करके मुझे घर ले जाने दो, मुझे घर ले जाने दो। मेरी बेटी मेरी जान है, अगर इसे खुरोच भी आती है तो दर्द मुझे होता है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। कृपा करके मुझे इसे कर ले जाने दो। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, मुझे कर ले जाने दो, मेरी बच्ची है ये। प्रगति, प्रगति बेटा, ये खून, ये गोली का निशान लगता किसी ने बंदूक चलाई। कोई क्यों मारना चाहता है मेरी बेटी को? भला किसी से क्या दुश्मनी है मेरी बेटी की? मुझे इसे कर ले जाना होगा, सुरक्षित जगह जल्दी ले जाना होगा। ये गुफा ठीक है, इधर ही लेके चलते। वो लड़की तो मर गई है, फिर मुझे बार बार दिखाई क्यों दे रही है? राघव, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। मेरी बच्ची को गोली लगी, इसका भूत कौन जा रहा है?
ये क्या कर रहे हो? आप ये नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं हो सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें शक्तियां हैं जो बचपन से ये ना कहने ना कहने। अयो मुरुगन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। चलो हटो यहां, हटो, जाओ, मेरी बच्ची के पास मत आना, जाओ। ये आपकी बेटी नहीं, आप सिर्फ निमित्त बन गए। इसकी दुनिया में आने के बाद जो कहानी अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए आप हटिए यहां से। मैं एक डॉक्टर हूं, एक साइंटिस्ट भी, मैं इसकी गोली निकालने में आपकी मदद कर सकता हूं। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे इसकी जान को बचाना है, इसको फिर से दुनिया में लाना है। आप मुझे रोशनी दिखाइए, मशाल जलाइए। ये लो मशाल, ये लो। अजीब लग रहा होगा ना, पर यही सच है। आपकी बेटी शेषनागिन प्रार्थना का पुनर्जन्म है। कैसे मान लूं तुम्हारी बात? तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? पूरी की पूरी कायनात गवाही दे रही है, चांद सितारे साक्षी हैं, इसका चेहरा साक्षी। देखिए प्रार्थना का चेहरा, रूहो बहु वही चेहरा, वही कर्म, क्योंकि यही है प्रार्थना का पुनर्जन्म। वहां खाई से गिरने के बाद बहुत सारे नाग नागिनों ने मिलकर इनकी मदद की, इनके लिए शाहिया बनाई, इसकी मदद की, क्योंकि ये शेषनागिन प्रथा की बेटी है, प्रार्थना। प्रार्थना और उसका पति शेषनाग रखो, उनकी दोनों बेटियां। दुश्मनों ने इनके घर में घुस के इनके घर में आग लगा दी, इन्हें मार दिया। रुकिए, अंदर में मेरी बच्चियां, मेरे पति, अंदर आग लगी है। वो घर जिम रोड की गली में, 21 साल पहले मैं उस रोड से गुजरा था जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसे अस्पताल ले जा रहा था, तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। उसकी हालत बहुत खराब थी, ऐसा लग रहा था कि वो आग से निकल के आई है। मैं उसको अस्पताल ले गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। उस दिन उसकी आत्मा आपकी बच्ची में आ गई जिसने उस दिन जन्म लिया था। क्योंकि उसे जन्म लेना था अपने इंतकाम के लिए, वो आ गई, वो फिर से आ गई, नागिन आ गई। इक्कीस साल तक मैं भगवान से विनती करता रहा कि काश मैं उसकी जान बचा पाता। मुझे क्या पता कि वो मेरी बेटी के रूप में ही है, वो प्रार्थना है। आपकी बेटी का मकसद बहुत बड़ा है, उसे बहुत चुनौतियों का सामना करना है। अभी मुझे सब पता चल गया। प्रगति, मुझे एक बात बता, तेरी हालत किसने की? तुम्हें
मैं खत्म कर दूंगा। वो लड़का जहां विदुषी अक्का काम करती थी, राघव। प्रगति, महक और उसके लोगों ने तुम्हें बहुत छोड़ दी, मौत दी है। उसी ने ही तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीना है, तुम्हारे पति को तुमसे छीना है, तुम्हारे घर में आग लगाकर उनको मार दिया, और तुमने फिर से जन्म लिया है, और फिर से महक ने तुम पर वार किया। इसका मतलब जानती हो? तुम समझ रही हो ना, चाहे कुछ भी हो जाए, महक तुम्हें नागमणि नहीं देना चाहती। राघव ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मुझे बेवकूफ बनाया, रघु बन के मेरे साथ इतनी बड़ी चाल चली। मुझे सब कुछ याद आ गया प्रताप। बेटी, इस सबको बुरा सपना समझ के भूल जा, छोड़ दे ये सब, चल कर चल। नहीं अब्बा, मैं आपके साथ घर नहीं चल सकती, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, इसी वजह से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मुझे किसी भी हाल में महक मासी से वो नागमणि वापस लेनी होगी, वो नागमणि हमारे नागलोक की धरोहर है। आप घर जाइए अब्बा, मैं नहीं आऊंगी। दृश्य मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रहे? क्या क्या कनेक्शन है उससे मेरा? कहीं वो कहानी की वजह से नहीं, जो स्टूपिड सी प्रगति ने मुझे सुनाई थी, क्या उसकी कहानी सच है? नहीं नहीं, ये सब बातें मेरे दिमाग में क्यों घूम रहे हैं? क्या वो सच है? नहीं, वो सच नहीं हो सकता है। क्या हो रहा है मेरे साथ? राघव ने मेरे साथ जो चाल चली, जो जाल बिछाया, मुझे मार दिया, मौत के मुंह में फेंक दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके हर चाल, उसके हर जाल का बदला लूंगी। राघव, आज से, इस पल से एक नई कहानी की शुरुआत होगी। नफरत की कहानी, बदले की कहानी। तुमने जो जो बर्बादियां की हैं, उनको अंजाम देने, अपना इंतकाम लेने आ रही हूं मैं। आज की सुबह ना कुछ ज्यादा ही हसीन है। सुबह सुबह तुम्हारे दर्शन हो गए ना, तो मेरी सुबह तो ऐसे ही हसीन हो गई। तुम बताओ तुम्हारी खुशी का राज। प्रादी, मेरी खुशी का राज नहीं जानना तुम्हें? मेरे भी दर्शन कर लिया करो कभी कभी। डार्लिंग माय बेटर हाफ, डोंट बी जेलस ना, तुम्हारे दर्शन तो मैं दिन रात करता हूँ। नहीं, वैसे आज सुबह सुबह महक महकती हुई मुझे दिख गई, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, दैट्स इट। बताओ ना महक, तुम्हारी खुशी का राज? खून। कल रात को मैंने एक बहुत बड़ा शिकार किया, ये खुशी उसकी वजह से है। शिकार? रात को? ये खूबसूरत भला आधी रात में चुड़ैलों की तरह शिकार पर जाती है। बच के रहे प्रेडी, कहीं तेरा शिकार ना कर दे। महक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। Excuse me. महक, what is this nonsense? फिर से दोबारा तुमने इस नर्स को गायब कर दिया? अगर ऐसे ही चलता रहा ना, लोगों को हम पे शक हो जाएगा। तुम्हारे सब नर्सेस जो है ना, अजय के बारे में पूछते रहते हैं। Obviously, मुझे गुस्सा तो आएगा। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं शेष नागिन हूँ, और शेष नागिन को जब गुस्सा आता है तो वो डस के ही निकालती है। महक, नागिन मैं भी हूँ, 21 सालों से मैंने अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि तुम फट्टू हो, तुम वो नागिन हो जो डरती हो। इट्स नॉट अ बिग डील, अगर एक नर्स गई है तो दूसरी नर्स आ जाएगी। रिलैक्स वरना। ओफो, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करोगी? अरे मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है, नई नर्स आती ही होगी। लो, आ गई।
हाँ, मैं आ गई, वापस आ गई अपने दुश्मनों को मौत देने। अब एक एक से मेरी बर्बादियों का हिसाब लूंगी। अब एक एक को मौत के बदले मौत का जवाब दूंगी। मेरे पास नागिन की शक्तियां भले ही नहीं, पर नागिन का वार है। तैयार हो जाओ अपना इंतकाम लेने। वापस आ गई नागिन। तुम्हारा नाम? अब नेम में क्या रखा है? टू वर्ड्स का नेम है, जीरो फेम है, जूली। बस पेशेंट्स का देखभाल, गॉड की ब्लेसिंग, नो मैसिंग, जवान हो या बुड्ढी, मैं सब करता है गुड्डी गुड्डी। तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है मैंने तुम्हें? नो या, अभी तक इस जूली के लाइफ में कोई जॉनी आया ही नहीं है। नो डेटिंग, नो सेपरेटिंग, नो मीटिंग, नो सेटिंग, ओनली वेटिंग। नो बॉयफ्रेंड, नो मिस्टर, एवरीबडी जस्ट कॉल मी सिस्टर। आई मीन आप ही देखो, आप जैसा चार्मिंग डैशिंग आदमी हम लोग को थोड़ी देखेगा। आप तो अपना मस्त हॉट चिक शॉर्ट स्कर्ट को देखेगा ना। हम इतना चिकना चिकना नहीं है ना। नो कट, नो चिट चैट, बस जो भी हमको देखता है पेन में होता है, हम उसको हमसे इंजेक्शन मांगता है, अटेंशन मांगता है, अट्रैक्शन नहीं मांगता है। जूली की लाइफ में कोई रोमांस नहीं है। तो भी सच बोलूं तो अभी जूली को भी अभी कोई रोमांस नहीं चाहिए, कोई चार्म नहीं चाहिए, कोई हार्म नहीं चाहिए। बस अभी जूली को भी सिर्फ पेशेंस ही चाहिए। अरे बस बस बस, नॉनस्टॉप चालू हो गई। राघव, यू नो ना, ये सब लड़कियां पोर लड़कियां होती हैं, सब एक जैसे होती हैं। अब इसका स्टैंडर्ड देखो और हमारा स्टैंडर्ड देखो। तुम इसकी बातों में ज्यादा आना मत, हाँ, वरना इसकी स्टोरी तो शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा जूली, नो टॉकिंग ओनली वर्किंग, हाँ, काम पे फोकस करो। स्वर्णा, अजय का कमरा दिखा दो। आप चलिए मेरे साथ। मिस्टर अय्यर, आपको हुआ क्या है? कल रात को आप प्रगति को ढूंढने गए थे ना, अब सुबह आकर मुझे कह रहे हैं कि उसको अपने बंगार खाते के किसी काम से बेच दिया। अरे रियली, आर्कियोलॉजिकल वर्क? मेरी बच्ची को आपको घर लेकर आना था ना। मैं यहाँ पागल हो रही हूँ। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है, कहीं उसके साथ कोई कुछ गलत? बाहर वाले ने कुछ नहीं किया, दुश्मन घर में बैठे है। अरे कबाड़ी के काम पे लगा दिया मेरी बच्ची को। मीना शांत हो जा, हमारी बच्ची प्रगति को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। पर तू इतना टेंशन मत ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे टेंशन की वजह से मुझे हार्ट अटैक हो जाए। अयो अप्पा, अप्पा मिस्टर अय्यर, अयो मुर्गना, ये क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ भेज दिया मेरी बच्ची को? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर अय्यर जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। प्रगति, तू मेरी आंखों की तारा है, दिल की धड़कन है, जिंदगी है तू मेरी। मुझे मीनाक्षी और विदुषी से झूठ बोला, सच छुपाया मैंने। मुझे अपने दुश्मनों से इंतकाम लेना है, जो पिछले जन्म में मैं नहीं कर सकी, जो मुझसे अधूरा रह गया था वो इस जन्म में मुझे पूरा करना है। इसलिए तो मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मुझे वादा कीजिए कि ये जो भी बातें हैं ये आपकी और मेरे बीच रहेंगे, आप अम्मा और अक्का को कुछ नहीं बताएंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है प्रगति, आई होप कि तेरे साथ कुछ गलत ना हो। मेरी बच्ची, अजय की तो मौत हो चुकी थी, फिर पता नहीं स्वर्णा ने अजय को कैसे बचाया। Oh,
सर डोंट वरी, मैं आपको पूरा ठीक कर देगा। रथ 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 सर, सर आप क्या कर रहा है? प्रत, छोड़ो प्रत, प्रत, प्रत। छोड़ो प्रत, प्रत। जूली शिट, ओ गॉड पापा, जूली पापा गिर कैसे गए? तुम्हें यहाँ पापा को संभालने के लिए बुलाया था ना, ध्यान रखो पापा का, अगर इनको कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो सर उनके हाथ का मूवमेंट हो गया था, वो कुछ बोलने को ट्राई कर रहा था, वो ऐसा पूरा हाथ स्ट्रेच किया फिर ही जस्ट फेल डाउन, और उनके साथ साथ आई आल्सो जस्ट फेल डाउन। आई एम टेलिंग यू सर, वो कुछ बोलने का ट्राई कर रहा था, वो हाथ का मूवमेंट हुआ। जस्ट कट द क्रैप, मुझे बेवकूफ मत समझो, 21 साल से पापा की ऐसी हालत है, जरा भी मूवमेंट नहीं हुई है, और आज व्हाट, इट्स अ मिरेकल। मैं आपको बता रहा हूँ, जूली के हाथ में मैजिक है, वो जिस चीज को भी टच करता है ना उनका मच मच होता है, देखो हो गया। मैं बता रहा हूँ उनका हाथ का मूवमेंट हुआ था, वो कुछ बोलने को ट्राई कर रहा था। सर मैं जो भी बोलता अपने दिल से बोलता, अपना पूरा विल से बोलता। अब आई नो मेरा पर्सनालिटी नॉट लाइक हॉट चिक्स, मेरा ड्रेस ऐसा फिक्स, मेरा चश्मा ऑल द वाइल, मेरा ऐसा हेयर स्टाइल, तो आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, मैं आपका पापा के अंदर लाइफ का हलल चल डाल दूंगा, और मैं अपने आप को प्रूव करके रहूंगा, फिर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा ना सर। मैं आपके फादर को ऐसा लगताएगा नहीं, उनके अंदर 100% लाइफ डाल देगा, 100% मूवमेंट, फुल ऑन लाइफ डाल देगा, सब कुछ डाल देगा। ये अशित आंटी भी ना, ये सैंपल कहां से लेके आई? हॉट चिक्स विद ब्लैक दिल। अपने चश्मे का नंबर चेक कराओ, पापा का ध्यान रखो। व्हाट सर, आपने तो मेरे अंदर का लाइफ ही निकाल दिया आज, पूरा मेरे अंदर का लाइफ का ब्रेथ निकाल दिया था, एकदम डेथ ही हो जाता। प्रगति, मैं जानती हूँ कि तुम जान गए हो मैं कौन हूँ अजय, पर अजय तुम नहीं जानते कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, उसने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला, मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, मुझे मारने की कोशिश की, मारने की तो क्या ऑलमोस्ट मार ही दिया था। अब अजय मैं यहाँ जो करने आई हूँ आई एम सॉरी, पर वो मैं करके ही रहूँगी। राघव के पास मेरी जो अंगूठी है उसे मैं वापस लेके ही रहूँगी, क्योंकि उस अंगूठी को लिए बना मैं अपने नागिन रूप में नहीं आ पाऊँगी, और अपने दुश्मन नागिनों से नहीं लड़ पाऊँगी जिनसे मुझे लड़ना है, और मेरा इंतकाम पाना है जो मैं पाके ही रहूँगी। ये तो वही अंगूठी है। ये अंगूठी मेरी माँ प्रथा की अंगूठी है, इसके अंदर की शक्तियों की वजह से आज मैं अपने नागिन रूप में आ सकती हूँ। राघव, ये अंगूठी मेरी है, लाओ मुझे दे दो। तुम तो खाई से गिर गई थी, तुम तो मर चुकी हो, तुम शायद कोई आत्मा हो, और मैं आत्मा आता से डरता नहीं हूं, जाओ यहां से। अरे अरे स्वीट हार्ट, क्या हुआ तुम्हें? ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम इतना परेशान हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, घर का एसी नहीं चल रहा है ना, इसलिए। घर का एसी नहीं चल रहा है? हेलो, यस, व्हाट?
क्या? ये कैसे संभव है? राघव तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकता है? कैसे तुम्हें मौत के मुंह में धकेल सकता है वो? क्योंकि नागराज तक्षक, मुझे लगा था कि राघव ही मेरा रघु है, पर फिर मैंने सोचा कि राघव तो स्वर्णा का बेटा है और स्वर्णा से भी ज्यादा महक को अपनी माँ मानता है, महक को अपना भगवान मानता है। ऐसा इंसान तो मेरा रघु हो ही नहीं सकता। फिर तो महक के विरुद्ध तुम्हारी लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी प्रकृति, क्योंकि ना तुम्हारे पास प्रथा की अंगूठी है और ना ही नागिन की शक्तियाँ। जानती हूँ नागराज तक्षक, पर मुझे जो भी करना पड़े मैं कर दूंगी। पर राघव से वो अंगूठी वापस लेकर ही रहूंगी। पर राघव से भी ज्यादा अब मैं इस सोच में हूँ कि अगर राघव मेरा रघु है नहीं तो मेरा शेषनाग कहाँ है, कौन है, कहाँ लिया उसने अपना पुनर्जन्म? उस लड़की के मौत के बाद से राघव कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। वो लड़की जो प्रार्थना की पुनर्जन्म थी। प्लीज स्वर्णा, वो चीज चले गई है, मर गई है, छोड़ दो उसे, उसके बारे में बात मत करो। तुम सब खजाने के बारे में सोचो ना। नहीं महक, जो चीज जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं। अगर प्रार्थना का पुनर्जन्म हुआ तो इसका मतलब यह है कि रघु का भी कहीं ना कहीं पुनर्जन्म हुआ होगा। मैंने नागलोक में सुना था कि नागलोक के किताब में लिखा है एक नाग और नागिन को जोड़े में मार दिया जाए तो वो पुनर्जन्म लेते हैं फिर से मिलने के लिए, अपनी कहानी पूरी करने के लिए। तो तुम्हें डर लग रहा है अभी? तुम्हारा भाई रघु पुनर्जन्म लेके वापस आ गया और तुम्हें हॉन्ट कर रहा है? नहीं नहीं, आई थिंक इसने नाग लोक की किताब में पढ़ा है ना, तो वही उसके दिमाग में घूमता जा रहा है। नहीं महक, ये सच है, जो चीज जितना आसान दिख रहा उतना है नहीं। तुम चाहे दोनों मेरी कितनी ही मजाक उड़ा लो, पर ये सच है, हमें जो चीज दिख रही है उसके अलावा भी कुछ चीज है जो हमें नहीं दिख रही। रघु का भी पुनर्जन्म हुआ होगा और प्रगति रघु को ही ढूंढ रही है। किधर है रघु? कहाँ है रघु? इस अंगूठी को मैं छुपा देता हूँ। प्रगति तुम? प्रगति मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रही है? मैं जा रहा हूँ वहाँ, प्रगति दिखाई दे रही है, ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी और उस लड़की की फोटो, ये पुरानी यादें, ये मुझे ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है ये सब? नागराज शक्षक, मेरी जो अंगूठी राघव के पास है वो तो मैं वापस लेकर ही रहूंगी, पर मेरा सबसे बड़ा मकसद वो नागमणि जो महक के पास है, वो नागमणि अब महक के पास ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। मैं पूरा ब्रह्मांड हिला दूंगी, कुदरत कायनात को एक कर दूंगी, पर अपनी वो नागमणि वापस पाकर ही रहूंगी और फिर अपना इंतकाम लूंगी। मेरी नागमणि वापस मिलने के बाद मैं अपने शेषनाग को ढूंढूंगी। नहीं प्रकृति, महक अभी शेषनागिन है, सर्वशक्तिशाली है, उससे अकेले लड़ना तुम्हारे लिए संभव नहीं। उसे हराने के लिए तुम्हें अपनी नागिन शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, अपने शेषनाग की जरूरत पड़ेगी। तुम दोनों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी, तभी महक की हार होगी। पर नागराज तक्षक, मैं अपने शेषनाग को ढूंढूं कहाँ? एक ही रास्ता है, सबसे पहले तुम्हें अपनी माँ की अंगूठी ढूंढनी होगी जिसमें सारी शक्तियाँ हैं, और एक बार तुम्हें वो अंगूठी मिल गई तो शेषनाग की अंगूठी में भी अपने आप सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। शेषनाग की अंगूठी? पर रघु के पास तो ऐसी कोई अंगूठी थी नहीं। नागलोक की रीत के अनुसार एक शेषनाग और शेषनागिन के बीच विवाह होता है, लेकिन तुम्हारी माँ प्रथा ने एक साधारण मनुष्य से प्रेम किया, ऋषभ से विवाह किया, इसलिए शेषनाग ने समाधि ली और अपनी सारी शक्तियाँ एक अंगूठी में संचित कर उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। वो अंगूठी आसपास ही है, और यदि रघु का पुनर्जन्म हुआ है
तो वो भी उस अंगूठी तक अपने आप पहुंच जाएगा जिस तरह से तुम अपनी मां प्रथा की अंगूठी तक पहुंचे। को नहीं फेंक सकते, मत फेंको इसे, इसे अपने पास रखो। मैं नागराज तक्षक की बातों का सच होने का इंतजार नहीं कर सकती, कहीं इंतजार करते करते कोई अनहोनी ना हो जाए। अब तो मेरे आपा भी जानते हैं मेरी सच्चाई। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फैमिली पर कोई आंच आए। नहीं, इससे पहले मुझे राघव तक पहुंचना होगा और उससे मेरी अंगूठी वापस लेनी होगी। तब जाके मुझे मिलेंगी मेरी नागिन की शक्तियाँ और फिर मैं महक से अपनी नागमणि वापस ले पाऊंगी। हे शिव, हे महाशिव, आपकी वरदानी पर कहर बरसा है, मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे अपने दुश्मनों से इंतकाम लेना है, मेरा साथ दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप तो कालों के काल महाकाल हैं, मुझे महक जैसी काल को काटने की शक्ति दीजिए। आपकी इस वरदानी नागिन को विजयी कीजिए। जय भोलेनाथ।